मनु पंच में हर का प्यारा नाम है चरण कमल चितलाय वहां हरि बासा करे ज्योतियन जगाय श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है जगाने वाला हरि नाम यही हरि जाने
कितना ही सत्संग करिए, कोई भी काम करो, भागवत का मतलब क्या है? भागवत में चार अक्षर है मेरे सज्जनों, भागवत, भ यानी भक्ति। हमारा भक्ति कैसा होना चाहिए? हमारा भक्ति यानी भाव, मन का जो उद्गार हो हमारा कैसा होना चाहिए? ग यानी ज्ञान, हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान किसको कहते हैं? हमने डॉक्टरी पढ़ाई किया, इंजीनियर किया, हमने बहुत उच्च शिक्षा हासिल किया, मेरे प्यारे सज्जनों को सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान तो हृदय का है, आत्मबोध है, परमात्मा को जानना, भगवान के प्रति हमारा संबंध क्या है। जिस दिन हमें संबंध में आ जाए कि भगवान से हमारा नाता क्या है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान और हमारा रिश्ता क्या है, जिस दिन आपको समझ जाए, समझ में आ जाए, समझ लो आपको सच्ची ज्ञान मिल गई। स्वामी श्री रामसुदास जी एक बात कहा करते थे कि मैं हूं श्री भगवान का, मेरे हैं श्री भगवान, यही चिंतन करते रहो तज माया अभिमान। बस निरंतर ये चिंतन होना चाहिए कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं कभी आपको भूलू नहीं। अरे कौन कहता है कि आप संसार से जुदा हो, संसार के कामों को त्याग दो,
जंगल में जाकर भजन करो, एकांतवासी हो जाओ, घर को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो। कौन कहता है सबके साथ में रहते हुए भी ये मन रूपी जो मोर है वो भगवान के भजनों में नृत्य करता रहे, बस यही भजन है। आइए दोबारा हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। समझदारी में बात है कि वो फल को किस प्रकार से उपयोग में लेती है। आत्मदेव ने फल दिया, संतों का दिया हुआ प्रसादी और पत्नी को दिया है, पर पत्नी ने उस फल को खाया नहीं, गाय को दिया। महाराज आज जीवन में सबसे बड़ा उसने गलती किया है, अपराध किया है। जो व्यक्ति जैसे करता है उसको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। आज गाय ने जब वो बछड़ा दिया है, नाम रख दिया गोकर, संत का दिया हुआ आशीर्वाद मेरे प्यारे सज्जनों कभी निष्फल नहीं जाता है। संतों का वचन, संत वचन सदा सुचि साचा, साधुओं का वचन पूरा करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आता है।
गोकर्ण नाम पड़ा। कियत कालीन तो जातो तरुणो तनया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, दोनों को शिक्षा मिला, पर ध्यान रखना शिक्षा में भी फर्क है कि दोनों ने शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ जब तक संस्कार नहीं आता है मेरे प्यारे, कितना ही शिक्षा ग्रहण कर लो पर उसको काम नहीं आता, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आना जरूरी है। गोकर्ण ने शिक्षा ग्रहण किया, उन्होंने शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी लिया, पर धंधुकारी ने शिक्षा तो ग्रहण किया पर उसके अंदर कोई संस्कार नहीं लिया। तो क्या हुआ कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धंधुकारी महाकलह। गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी होंगे क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार जब आता है तो व्यक्ति पंडित बनता है, ज्ञानी बनता है, विद्वान बन जाता है। और शिक्षा के साथ साथ यदि वो संस्कार रहित हो जाता है तो मेरे प्यारे वो कितना ही पढ़ ले पर वो महादुष्ट बनता है। आज ऐसा ही हुआ। गोकर्ण जी पढ़ने के लिए बनारस गए हैं, धुंधुकारी घर में है, अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगा, अनेक प्रकार के महाराज दुष्कर्म करता है, रोज कोई ना कोई शिकायत। मैं आपको बताऊं मेरे सज्जनों, जब कोई किसी का बच्चा स्कूल में कॉलेज में जब नाम प्राप्त करता है, उसको सम्मान मिलता है या फर्स्ट होकर जब वो पास होता है तो उनके माता पिता को बड़ा प्रसन्नता होता है, उन्हें गर्व लगता है, उन्हें महाराज अंदर से भाव होता है, उन्हें प्रसन्नता होता है, उन्हें अपने आप में गर्व होता है कि मेरा बेटा है, मेरा मेरी बेटी है। और वही बच्चा वही बच्ची रोज रोज घर में शिकायत लेकर आवे तो उन माता पिताओं के हृदय में क्या बीतता होगा। आज धुंधुकारी अनेक शिकायत उसके आते हैं। आज के दिन बड़ी दुखी हुई है मेरे प्यारे, लोग पुत्र पुत्र कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए, पुत्र के बिना घर अधूरा है। मेरे प्यारे, पुत्र ही तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा सेवा करेगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी। लोग महाराज बच्चों के लिए धन संपत्ति जोड़ता है, वो माँ सुंदरी है, परम सुंदरी है, कहलाने योग्य है वो माँ, जिसने अपने गर्भ से सुंदर भक्त को जन्म दिया है कि मनुकसु माता सुंदरी जहां भक्त अवतार और बिना भगत बांझे भई सो जननी फलगत गा। श्री मनुकाश कहते हैं कि वो माँ धन्य है, परम सुंदरी, संसार की सबसे सुंदरी कहलाने योग्य है, जिसने अपने गर्भ से इस भगवान के भक्त को जन्म दिया है। पुत्र बते जुगती जग सोई, पुत्र बते जुगती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत होई, रघुपत भगत जासु सुत होई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा जीवन जीने से तो विकार है महाराज, समाज में ऐसा हुआ है, बच्चों को माँ बाप से कभी तकलीफ नहीं मिला होगा, परंतु माँ बाप को बच्चों से तकलीफ मिला है, जिससे अपना घर त्यागना पड़ रहा है। तो ऐसे माँ बाप है जिन्हें बच्चों के वजह से घर बार छोड़कर बाबा जी बनना पड़ रहा है। मुझे तो मालूम है ना, बाबा जी ने जब कई लोग मिलते हैं तो महाराज कोई ना कोई कारण से कि बाबा जी कैसे बाबा जी बने,
कि क्या करें, बच्चे कहना मानते नहीं थे। हमने सोचा कि यहाँ तो गुजारा चलेगा नहीं, चलो बाबा जी के मठ में तो वहाँ गुजारा चकाचक बढ़िया में खाने को मिलेगा, सब लोग ढोक प्रणाम करेंगे, दक्षिणा देंगे, मजे होंगे। क्यों आज आत्मदेव ने सोचा कि मैं क्या करूं, इससे अच्छा तो पहले ठीक था ये बेटा नहीं था। बेटा हुआ तो भी महाराज रोज अनेक प्रकार की शिकायत लेकर आता है, आज उनके अंदर ग्लानि आ गया। ध्यान रखना, माँ बाप किसी के सामने हार नहीं मानते हैं, अगर हार मानते हैं तो अपने औलाद के सामने हार मानते हैं, नहीं तो माँ बाप संसार में किसी से हार नहीं मानता। आज आत्मदेव अपने पुत्र के सामने घुटने टेक दिया, हार मान लिया, सोचा कि अब ऐसा जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है, जाकर अपने प्राणों को त्याग देता हूं, घर से आज दोबारा मरने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने देखा पिताजी रो रहे हैं, चरणों में प्रणाम किया, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या बात है बताओ, बताइए तो सही, आप इतने व्याकुल होकर जा रहे हैं, बताओ तो सही। आत्मदेव ने आज गोकर्ण को शिविर से लगाकर खूब रोया है, अपनी सारी व्यथाएं सुनाई है कि बेटा मैंने इस हिंदू कार्य के लिए क्या नहीं किया है, मैंने सब कुछ किया, जब तक व्रत नियम अनुष्ठान पूजा किया, बहुत धन खर्च किया, पर मैंने सोचा कि ये बेटा मुझे सुख देगा, बुढ़ापा का सहारा बनेगा, पर बेटा मैं क्या करूं, इसने तो मेरी सारी प्रतिष्ठा को ही दांव में लगा दिया है, अब मैं कैसे समाज में जीऊं। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया, ध्यान सुनिएगा, बेटा वो तो गोकर्ण जैसा है, आज एक पिता को पुत्र समझा रहा है, पिताजी ये संसार का भ्रम है कि लोग संसार में सुख देख रहे हैं, सुख पा रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं, ना आज हर व्यक्ति निराश है, क्यों बुढ़ा तो महाराज अपना भूत को याद कर, अतीत को याद करके पर निराश होता है, अरे सारा जीवन व्यतीत हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, फलाने को देखो उसने ऐसा बिल्डिंग ठोक दिया, ऐसा उसके घर है मकान है, शिरा दे बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बुढ़ापे में लोग अपने अतीत को याद करके निराश हो जाते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए, और महाराज युवा निराश है अपने भविष्य को देखकर, क्या होगा, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, मैंने ऐसा वो पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं, मैं क्या करूंगा, कई बच्चे तो डिप्रेशन में आकर महाराज आत्महत्या कर जाते हैं। युवा भविष्य को लेकर निराश है कि मेरा भविष्य, नचिंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, चक्रवर्ती सम्राट को भी चिंता है, राजाओं को भी चिंता है, कहीं कोई राजा आकर आक्रमण न कर दे, मेरे राज्य को न छीन दे, तो फिर सुखी कौन है संसार में। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः, एकांत जीवन यापन करके जो रहते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, वही संसार में सुखी है, वो है संत महात्मा जिसने भगवान का शरण ग्रहण कर लिया है, कोई सुखी नहीं है। एक गरीब को पूछो भैया तू सुखी है, वो कहता कि नहीं मेरे से ज्यादा तो पड़ोसी सुखी है, मेरे उसका घर है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, सुंदर उसकी पत्नी है, किसी की सुंदर पत्नी भी हो जाए, श्रीमती भी हो जाए तो आदमी दुखी हो जाता है, मेरी तो काली बलोटी मिल गई, पर देखो पड़ोसी की कितनी सुंदर है, बताओ ये भी कोई चिंता की बात है। अरे भगवान ने कोई तो रूप बनाया है, एक काला और दूसरा गोरा, और फिर भाई चिंता किस बात की, लोगों को ये चिंता सता रहा है, ये कोई चिंता की बात है। हो गया
भजस्व सततम त्यजलोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषाणां जहि कामतिस्सा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासमुक्त्वा सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वम् कथा समहो नितरा। क्या कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम्। हर व्यक्ति को सतत प्रयास से धर्म का आचरण करना चाहिए, निरंतर धर्म का आचरण करना चाहिए। कौन से धर्म का? पारलौकिक धर्म का। अरे संसार के लोग धर्म का तो सब लोग परिवर्तन कर रहे हैं। लोग धर्म कौन सा है भाई? पिता का जो धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना, ये पिता का धर्म है। माँ का धर्म है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये माँ का धर्म है। और भाई का जो बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, परिवार वालों का परिवार वालों के प्रति, पड़ोसी का पड़ोसी के प्रति, ये सब लौकिक धर्म है। और पारलौकिक धर्म क्या है? हमें पारलौकिक धर्म का भी जो परम धर्म है उसका भी निरूपण करना है, उसका भी पालन करना है। परम धर्म वो है कि हमारा जो मन है वो मनमोहन के चरण में लगा रहे, उनसे प्रेम हो और अलौकिक प्रेम हो। ऐसा नहीं कि आज होगा उसको कल टूट गया। संसार के लोग आज तो प्यार कर देते हैं, भैया हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, दो बात मानी नहीं का प्यार खत्म। ऐसा होता है ना संसार वालों का प्यार, बस एक बात पर प्यार खत्म हो जाती है। और वो भी क्या प्यार है? क्या वो भी प्रेम है? क्या नहीं, प्रेम तो वो है जिन्होंने मिलाने किया प्रभु से, जिसने कर्म दिवाई में किया सुर श्याम से, जिन्होंने सुर ने श्याम से प्रेम किया, वो प्रेम है। हर अवस्था में हर परिस्थिति में बस उससे नाता न टूटे, उसका प्यार उसका स्मरण न टूटे, वही प्रेम है, वही प्यार है, वही मोहब्बत है। धर्म धर्म का आचरण करो। और मैं आपसे कहता हूं कि धर्म ऐसी चीज है, शास्त्रों ने कहा है कि स्वधर्म निधरे श्रेया पर धर्म भयावह। यदि व्यक्ति अपने धर्म में मर भी जाता है तो उसका कल्याण होता है, और दूसरे के धर्म में जो जाता है और धर्म परिवर्तन जो करता है महाराज, उससे बढ़कर मूर्खता और उससे बढ़कर महापाप संसार में कुछ भी नहीं है। तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। कैसे करें? संतों की सेवा करके ही धर्म का पालन करें। पर ध्यान रखना, धर्म करो तो मन में कामना नहीं रखना चाहिए कि हमें ये मिल जाए, बाबा जी के पास में जाऊं तो बाबा जी हमें एकदम कोई जड़ी बूटी घोल कर पिला दे तो हम रातों रात में करोड़पति हो जाए, ऐसा कोई भी कामना नहीं रखना चाहिए। क्योंकि भगवान को से कोई भेद छुपा नहीं है, भगवान तो सब अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। बस निर्मल भाव होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सोमही बाबा मोही कपट छल चित्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे छल चित्र वाला कपट हृदय वाला व्यक्ति बिल्कुल सुहाता नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए दिल है एकदम साफ करती, एकदम कांच की तरह साफ, बिल्कुल धुंधला नहीं आना चाहिए। और कहते हैं, और एक दोष है जो हर व्यक्ति उस दोष का भागी रहता है, कौन सा? कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासमुक्त्वा। आए हैं कथा करने के लिए, कथा सुनने के लिए, पर आपस में बातें करते हैं कि भाई तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे कैसे हैं, हमारे तो ऐसे हैं, तुम्हारे वैसे हैं, पड़ोसी का तो ऐसा हुआ, उसकी बच्ची भग गई, उसका बच्चा भग गया। साबुन बिन पानी बिना निर्मल हो तो सुहा। बोलाते हैं
एक गद्दा और यहाँ बिछा दीजिए माताओं को सामने। कर सबका भी जो फीकर को फांकी करे उसका नाम फकीर। जो जीव चिंता नहीं करता है जीवन में निश्चिंत होता है। ध्यान रखना कितना ही काजू बादाम पतिदेव को खिला दो महाराज वो दो हाथ दो मुट्ठी के रह जाएंगे। और जिस दिन से आप उनको टेंशन देना छोड़ दोगे तो महाराज कुछ भी मत खिलाओ पतिदेव एकदम मोटे तगड़े हो जाएंगे। बोलो राधे खूब खिलाओ और उनके जीवन में उनके माध्यम में टेंशन भर दो तो विचार निरंतर सेवा करते हुए संतों की सेवा ब्राह्मणों की सेवा पति की सेवा सास ससुर की सेवा माता पिता की सेवा पड़ोसियों की सेवा जरूरतमंदों की सेवा गौ मां की सेवा असहायों की सेवा निसहायों की सेवा अनाथों की सेवा मुखबंद बधिर जीवों की सेवा पक्षियों की सेवा कृतियों की सेवा सबकी सेवा करो। पर ध्यान रखना सेवा का भाव तभी आएगा कब की सेवा कथा रसम हो नितराम पिवत्वम। जब आप निरंतर भगवान की कथा का रस पान करोगे तभी आपके अंदर सेवा का भाव जगेगा। नहीं तो भैया ये भाव भी आने वाला नहीं है, भाव को भी जगाने वाला चाहिए चाहिए कि नहीं। श्रीमान जी सुबह 8 बजे से पहले उठते ही नहीं। अगर श्रीमान जी को 5 बजे उठाना हो तो क्या करना चाहिए? सुंदर श्रीमती बढ़िया सा एकदम झनकदार जो है चाय बनाकर कॉफी में या कॉफी लेकर कप में पास में पहुंच जाए। समझिए चाय ठंडी हो रही है क्या कहना। 8 बजे जगने वाले भी 5 ही बजे खड़े हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर का जो जो अंदर का भाव है वो सोया हुआ है उसको जगाने वाला कोई सद्गुरु देव चाहिए, कोई महापुरुष संत चाहिए जो हमें जगाता रहे जगाता रहे। वो सत्संग ही हमें जगाएगा, वो कथा ही हमें जगाएगा, वो भगवान का भक्त ही जगाएगा, वो फकीर ही जगाएगा कि भैया जगते रहो जगते रहो। सुंदर उपदेश दिया आज गोकर्ण जी का अंत आत्मदेव जी का जो सोया हुआ भाव था वो जग पड़ा और तत्क्षण वैराग्य हुआ और भगवान का भजन करते हुए जंगल में जाकर उन्होंने भागवत का पाठ करते हुए अपने आप को मेरे गोविंद की शरण में सौंप दिया। अब महाराज घर में कौन रह गए? आत्मजीत जी चले गए। घर में गोकर्ण जी धुंधुली बाई और धुंधुकारी तीन प्राणी हैं। एक दिन धुंधुकारी आकर माँ से कहने लगा, अरे माँ पिता का धन तूने कहाँ छुपा रखा है जल्दी से बता। धुंधुली बाई ने कहा, बेटा सारा संपत्ति तो तू जुआ में ताश में शराब में बर्बाद कर दिया है, अब मैं तुझे कहाँ से धन संपत्ति दू। अरे दुष्टा तू मेरे से झूठ के देखो एक बेटा अपनी माँ से कैसा व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसके अंदर संस्कार वो माँ दे नहीं पाई। कहती है कि पितरियू परते तेना जननी तारिता भिषम कवितम तिष्ठति ब्रूहि हनीशे लत्यानचे। बोल वो थन का है अभी मैं तेरे बालों को पकड़कर जमीन में घसीटते हुए तुझे मैं जलता हुआ लकड़ी से मारूंगा। बताओ कोई बच्चा ऐसा अपनी माँ से कहे और वो माँ इस बात को सहन कर पाएगी बचा पाएगी अपने अंदर घुट पाएगी? ना ना माँ से रहा नहीं गया। माँ महाराज धुंधली बाई रात में ही घर से बाहर जाकर कुआ बाबी में स्नान लगाकर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। गोकर्ण जी ने देखा ये धुंधुकारी से मेरा पटेगा घर में भाई यदि बदमाश हो चरित्रहीन हो और दुर्व्यवहारी हो दुराचारी हो तो दूसरा भाई को जीना मुश्किल हो जाता है। आज गोकर्ण जी ने सोचा ऐसा भाई के साथ में रहने से अच्छा है
कि मैं जाकर तीर्थ यात्रा करूं। मेरे प्यारे ध्यान रखना, यदि आप घर से परेशान हो और परिवार से परेशान हो, समाज से परेशान हो, तो आप आत्महत्या की बात दिमाग में बिल्कुल मत रखना। क्या करना, यदि कोई पास में संत हो तो संत के पास में जाना, यदि आपके पास में कोई मंदिर देवालय हो, शक्तिपीठ हो, तो वहां जाना, वहां जाकर क्षण भ्रमण करना। या वो भी न हो तो पास में कोई तीर्थ हो वहां चले जाना, आपका जीवन का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, 100%। आज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, गए पिता के नाम से जहां भी जाते हैं दान देते हैं, पिंडदान देते हैं, श्राद्ध करते हैं। गया भी पहुंच गए, वहां जाकर भी गया, उतने में उनको मालूम पड़ा इधर अब अकेला धुंधकारी घर में पांच पांच भिष्याओं को लेकर आया है। जब धन एकत्रित घर में ज्यादा हो गया, वे पांच भिष्या ही उसको गले में फंदा डालकर, जलता हुआ अंगारों को मुंह में डालकर उसको मारकर और सारा संपत्ति लेकर जाती है। गोकर्ण जी को मालूम पड़ा, उन्होंने धुंधकारी भैया के लिए भी पिंड दान दिया, श्राद्ध किया और मन में आया चलो अपना जन्मभूमि जाते हैं। जन्मभूमि सबको प्यारा लगता है, क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। जिस मां ने अपने इस शरीर को 9 महीने तक गर्भ में धारण किया और गर्भ में अपना सारा दुख कष्ट सहन करते हुए पाल कर उसे जन्म दिया, 9 महीने तो गर्भ में धारण किया ही है, उसके बाद में जब तक वह समझदार नहीं होता है तब तक वह माँ उसके उंगलियों को पकड़कर उसको समझदार बनाती है। उस भूमि को भला कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता। आज गोकर्ण जी आए और जैसे ही घर में सो रहे थे, सो धुंधकारी प्रेत योनि में, ध्यान रखना, जिसका अकाल मृत्यु होता है, जिसका एक्सीडेंट से मृत्यु होता है, जो फांसी खाकर मरते हैं, जो जल में कूद कर मरते हैं, जो महाराज अचानक मर जाते हैं, उनका सदगति नहीं हो पाता है, उनको अकाल मृत्यु कहते हैं, और जिससे वो प्रेत योनि में चला जाता है। पर हम लोग राजस्थान में कहते हैं हमारे पितर बन गए, ये राजस्थान पितरियों की भूमि है, यहाँ पितर बनते हैं। पर ध्यान रखना, वो जो अपने आप उम्र पाकर मरते हैं वो पितृलोक को जाते हैं और बाकी वो प्रेत योनि में चला जाता है। इसलिए उनके कल्याण के लिए कोई उपाय करना चाहिए। भागवत ही एक ऐसा साधन है, आप आगे श्रवण करेंगे। गोकर्ण जी ने दुख कार्य के लिए साथ किया, सब कुछ किया, आए तो प्रेत में चला गया था, प्रेत बन गया था, भूत बन गया था। भूत प्रेत आप तो सुनते ही हो। प्रेत बनने के बाद में गोकर्ण जी महाराज जैसे ही सो रहे थे तो अनेक प्रकार का रूप बनाकर वह धुंधकारी आया डराने के लिए। ध्यान रखना, जो दुष्ट होते हैं वो जीते जी भी लोगों को परेशान करते हैं और मरने के बाद भी प्रेत बनकर पीछा छोड़ते नहीं है। धुंधकारी बाद में भी सताने लगा, डराने लगा, हाथ में जल लिया है और गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जैसे ही जल का छिटा दिया कि बोल तू कौन है, तो जैसे ही छिटा दिया तो बोलने लगा कि अहम भ्राता तुरीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी, अहम भ्राता तुम्हारा भी भाई है, धुंधकारी की नाम है, मेरा धुंधकारी नाम है। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ, अरे तू धुंधकारी, क्या तेरा उद्धार नहीं हुआ, तेरा सदगति नहीं हुआ? अरे मैंने तो कई तीर्थों में जाकर तेरा पिंड दान किया। लोग कहते हैं गया में जाकर षोडश राज जिसका हो जाता है उसका मोक्ष हो जाता है, मैंने वो भी किया, क्या तेरा उद्धार नहीं हुआ? धुंधकारी ने क्या किया मालूम है? क्या कहा कि भैया आप एक बार तो क्या कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक बार तो क्या 100 बार भी जाकर गया में पिंड दान दोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा? 100 बार मेरा कोई उद्धार का उपाय करिए, ध्यान रखना।
वंशजों का पुत्र का यही कर्तव्य होता है यदि पिता अनुभूत हुए गए। पुत्र यानी पुम नामः नरकं त्रातयति इति पुत्रः, जो अपने पिता को पुम नाम के नरक से तार दे वही सच्चा पुत्र है। नहीं तो महाराज और बताऊं मैं आपको, पुत्र तीन प्रकार के होते हैं भैया, आप लोगों को मालूम होगा, मालूम है पुत्र तीन प्रकार के होते हैं। नहीं तो मैं बताता हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। एक नंबर का होता है पुत्र, मैंने अपने स्वयं के कर्मों से अपना ब्रह्मत्व, मुझे जन्म तो ब्राह्मण घर में से मिला था, इतना परम पवित्र जो जगत का कल्याण करने वाला है ब्राह्मण, ऐसा परम पवित्र कुल में मुझे जन्म मिला, पर मेरे कर्म जो है अच्छे नहीं थे। ध्यान रखना, रावण भी ब्राह्मण था परंतु वह राक्षसों की श्रेणी में गिना जाता है। और क्यों, जो ब्राह्मण रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा धनवान, रावण जैसा बलवान आज तक कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, पर उसको भी लोग राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, उसके आचरण ऐसे थे, उसके विचार ऐसे थे, उसकी भावनाएं ऐसी थी। इसीलिए विचार, भावना, हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य, हमारा धर्म अच्छा होना चाहिए। और जब ये सब कुछ अच्छा होगा तो मेरे प्यारे, हम किसी भी कुल में हमें जन्म मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सबरी उच्च कुल में जन्म लेकर आई थी? अरे शरीर ने तो हील किया, एक हीलन किया, जिनके मार काट मांसहार रूप भोजन था, आज जिसका छोया हुआ पानी भी नहीं पीते लोग, उस हीलन के यहाँ भगवान श्री राम नंगे पांव चलकर गए और जाकर उसके जूठन बेर को खाया है। आपके सामने इतिहास कह रहा है, हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। इसीलिए हमारा जन, हमारे कर्म अच्छा होना चाहिए। तो क्या करें, गोकर्ण जी असमंजस में पड़े पड़े। गोकर्ण ने सोचा कि मैं क्या करूं, धुंधुकारी से कहा, उस प्रेत से कहा, भैया तुम अभी चले जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हारा उद्धार का कोई उपाय करूंगा। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बड़े बड़े संतों को बुलाया, सबसे पूछा है कि मेरा भैया धुंधुकारी प्रेत बन गया है, उसका उद्धार का कोई मार्ग बताइए। कोई भी नहीं बताया। तभी उन्होंने अपने आराध्य श्री सूर्य नारायण भगवान को प्रार्थना किया। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोली सूर्य नारायण भगवान की। भगवान ने कहा कि गोकर्ण कैसे याद किए, अपनी सारी बात बता दी। गोकर्ण जी ने, गोकर्ण जी से सूर्यनारायण भगवान ने कहा, देखो सूर्यनारायण भगवान जो साक्षात देवता है, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसे काम नहीं जिसका सुलसन न हो, जिसका उपाय न हो, जिसका निराकरण न हो। हर समस्याओं का निराकरण है। हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों ने, हमारे देवताओं ने उसका निराकरण किया है। आज श्री श्री नारायण भगवान कहने लगे कि श्री मद्भागवतार मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु की, धुंधुकारी का उद्धार सप्ताह वाचन से, कथा के श्रवण से होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सुबह से सिक्रम, और ऐसा ही किया गया। धुंधुकारी के उद्धार के लिए भागवत का आयोजन किया गया और उसका आह्वान किया गया है। स्वयं गोकर्ण जी महाराज व्यास गति में बैठकर भागवत सुनाने लगे। धुंधुकारी प्रेत योनि में वायु का शरीर उसका है, आकर जैसे ही बैठता है हवा का झोंके में महाराज उड़कर चला जाता है। ये बात तो छोड़ दे इसका। तुंगभद्रा तटे पूर्वा, तुंगभद्रा नदी कहाँ है? दक्षिण देश में, साउथ में है, भारतवर्ष में है, वहां की बात। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा बांस की खेती साउथ में होता है। और पहले तो पाटलाल महाराज बांसों के बना करते थे, अब तुम्हारा ईंट दीवार लोहे के पाइप के टेंट आ गए। प्रथम ग्रंथि टूट गई और दूसरी ग्रंथि में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुआ, दूसरा ग्रंथि टूट गया। करते करते सात दिन तक सप्त ग्रंथि का बांस टटा चट चटते हुए और दिव्य उसका भगवत स्वरूप धारण करके वह प्रकट हो गया। और वह कहने लगा कि धन्या भागवती वार्ता
तो पीरा विनाशिनी। धन्य ये भागवत की कथा, भागवत की वार्ता, आज मेरे जैसे प्रेती आत्मा का भी उद्धार हो गया। बोली भागवत भगवान की। ओ गज कपट का टुकड़ा समझने की जरूरत है। बैठी बैठी झूमते हुए ताली बजाती होगी, समझे इस भजन में क्या कहा जा रहा है। ये हो Bye.